मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलोनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य भूल के बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धे जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, चार और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने की है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं, कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी
तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।